एंट्री, आपका कौशिक जी किचन में स्वागत करती हूँ। देखिए आप समझ गए ना कि आज मैंने क्रिस्पी कॉर्न्स बनाए हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बारबेक्यू नेशन जाते होंगे, एब्सोल्यूट बारबेक्यू जाते होंगे, तो वहाँ पे ये स्नैक मिलता है स्टार्टर में। तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे हमें सबसे पहले लेने हैं कॉर्न्स। मैंने यहाँ पे 2 कप कॉर्न लिए हैं, उन्हें सबसे पहले हम उबाल लेंगे। तो आप उबालने के लिए अच्छा पानी डाल दें बर्तन में और इसे उबाल लें। कॉर्न्स को हमें जब तक उबालना है जब तक कि वो फूल के अच्छे से पक नहीं जाते, तो आपको उबालना है इन्हें। ये देखिए, कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे इन्हें उबालने में। तो देखिए आप, ये फूल के मोटे हो गए हैं उबल के, और ये चेक भी कर लेते हैं कि पूरे पके हैं कि नहीं। प्लेट में निकाल लें छान के पानी। हम क्रिस्पी कॉर्न बना रहे हैं तो उसमें इन्हें कोट करना जरूरी है, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। तो सबसे पहले कोट करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच राइस फ्लावर। राइस फ्लावर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पे हम मिलाएंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, या आप कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप इसमें मैदा भी मिला सकते हैं। हमें इन्हें अच्छे से कोट करना है, इसके लिए हमें ये दोनों चीज डालनी है। आप राइस फ्लावर बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि राइस फ्लावर से ही ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और जो ये कोटिंग है वो ही मेन चीज है इसमें, अच्छे से कोटिंग होंगे तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे मिला देते हैं कुछ चीजें, मसाले। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी मिर्च, मिर्च भी आप स्वाद अनुसार मिलाइए। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी मिर्च कम रखें, क्योंकि क्रिस्पी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। तो आप इसमें थोड़ा सा कम मिर्च डालें। और थोड़ा सा हम मिला रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है। आपको अगर थोड़ा सा चटपटा चाहिए तो आप इसमें गरम मसाला मिलाइए। चाट मसाला मस्ट है, चाट मसाला जरूर डालें, क्योंकि चाट मसाले से ही बहुत चटपटा टेस्ट आता है इसमें। तो ये सब मसाले हमने डाल दिए, अब हमें इसे मिला लेना है। मिला के अच्छे से पूरी तरह से कोट हो जाने चाहिए, इस तरह से आप इसमें मिलाएं। अगर आपको ये ज्यादा सूखे लग रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं इसमें, जिससे कि ये पूरी तरह से कॉर्न्स पे चिपक जाए, कोट हो जाए, जब हम तलें तो ये अलग नहीं हो। इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी मिला लें। मेरे कॉर्न्स अभी उबले हुए हैं, इसलिए ये गीले भी थे, तो इस पे ये कोट हो गए हैं अच्छे से। तेल गरम होने रख दिया था मैंने, इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तेल गरम है बिल्कुल, तो बिल्कुल गरम गरम तेल में इन्हें डालें, और फिर जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम कर दें। आप चाहें तो हाथ से डालें एक एक करके, नहीं तो चमचे से डाल दें। पर ध्यान रखें, तेल बहुत गर्म होता है, छींटे उछड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होके डालें, जिससे कि हाथ जले भी नहीं। और ध्यान रखें, अगर कॉर्न उछड़ते हों तो थोड़ा शील्ड लगा लें, मतलब कुछ ढक्कन लगा लें डालते वक्त, जिससे कि कॉर्न उछटे नहीं, बाहर नहीं निकले, बाहर भागे नहीं तेल में से। तो ध्यान रखें ये सब चीजें। हल्का हल्का जब ये ऊपर आने लगे तो इन्हें चमचे से हिला दें। कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है ये बनाते वक्त हमें, और आप खुद देखेंगे कि क्रिस्पी कॉर्न बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। बस
आपको मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकने देना है। ये देखिए तैर के सब ऊपर आने लग गए हैं, तो अब इन्हें हमें धीरे धीरे चमचे से अलट पलट कर देना है जिससे कि सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी होने चाहिए ये, तभी टेस्ट आता है। आप अगर हाई फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे तो ये जल्दी से क्रिस्पी तो हो जाएंगे, बट इनके अंदर का जो पानी होता है कॉर्न में वो सूख जाएगा और फिर ये टेस्ट में अच्छे नहीं आएंगे। तो ध्यान रखें मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाएं, और जैसे ये ऊपर तैरने लग जाएं तब इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लें जिससे जो एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर पे आ जाए। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं और सारे तैर के ऊपर तक आ गए हैं। ज्यादा हमें इन्हें कड़क नहीं करना है, मींस इन्हें ज्यादा सुखाना नहीं है पानी। कॉर्न का पानी सूख गया तो उनमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये बहुत सही टाइम है निकालने का, इन्हें पूरा निकाल लेते हैं और जो दूसरा राउंड है वो डाल देते हैं। बचे हुए कॉर्न जो हमारे बचे हैं वो इसमें डाल देते हैं। कितने जल्दी बन गए ये, बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इनमें हम थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस डाल देंगे जिससे कि चटपटा अच्छा सा टेस्ट आए इसमें। चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला मिला दें और थोड़ा सा रोस्टेड करा हुआ जीरा भी आप मिला सकते हैं। आपके ऊपर है कि अब आप इसमें कौन सा मसाला ऐड करना चाहते हैं। ये बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए, बस आपको इन्हें थोड़ा सा गार्निश करना है। मैं यहाँ पे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती मिला रही हूँ, कटा हुआ धनिया मिला रही हूँ। आप चाहें तो बारीक कटे हुए प्याज भी मिला सकते हैं। चाहें तो इन्हें चाय के साथ खाइए, चाहे चटनी के साथ खाइए, बहुत ही यमी लगते हैं और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। तो आप भी ये भी ट्राई कीजिए और अपने व्यूज और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उनकी फोटोज डालना मत भूलिएगा। इन्हें गरम गरम सर्व करें और सबकी तारीफें लूटें, क्योंकि आप एक बार ये बनाएंगे घर में तो सब बोलेंगे बार बार बनाने को, क्योंकि ये इतने यम्मी लगते हैं। चलिए आप भी ये सब बनाइएगा और अपने व्यूज और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।